हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी चैनल। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एलपी टेक्नीशियन के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट बी के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, यानी कि इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। यह सीबीटी का पार्ट टू है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल का आइकन दबा ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइएगा शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। 100 वाट और 200 वोल्ट के दो बल्बों को 200 वोल्ट सप्लाई के साथ श्रेणी में जोड़ा गया है, तो बल्बों द्वारा खर्च की गई ऊर्जा है। तो दोनों बल्बों की जो पावर है वो 100 वाट है और उनकी जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सर्किट का। कुछ इस टाइप से इसका सर्किट होगा। देखिएगा, एक बल्ब यहाँ होगा, ये एक बल्ब यहाँ होगा, एक बल्ब यहाँ होगा, ये और ये 200 वोल्ट सप्लाई के साथ जुड़ा होगा। इस तरह से 200 वोल्ट सप्लाई के साथ ये जुड़े होंगे। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। तो P बराबर होता है हमारा पावर होता है, P बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से R निकालेंगे तो हम R बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। आर बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी स्क्वायर का माने देखिएगा हमारा 200। वी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 200 गुड़ा 200 और बटे में पावर। पावर कितनी है? 100 वाट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये आ जाएगा 400। एक रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 400। और दूसरा रेजिस्टेंस भी 400 आ जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 400। और इसका रेजिस्टेंस भी आ जाएगा 400। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा श्रेणी में? 800 हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 800। और देखिएगा, 800 जब टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा तो उसकी हम पावर निकाल सकते हैं। तो P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर से। तो V का मान यहाँ पर 200 गुणा 200 और बटे में 800। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा 400 बटे 8। इसे भाग कर लेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 50 वाट। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा दूसरा। द रेटिंग ऑफ ए फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सपेंडेड इन। तो वायर की जो फ्यूज वायर की रेटिंग जो दी जाती है वो किस में दी जाती है? वो दी जाती है हमेशा एम्पियर में। फ्यूज वायर की रेटिंग जो दी जाती है वो एम्पियर में दी जाती है। और किलोवाट घंटा जो होता है ये एनर्जी का यूनिट होता है। एक यूनिट बराबर होता है एक किलोवाट घंटा। एक यूनिट बराबर होता है एक किलोवाट घंटा। और एम्पियर घंटा जो दी जाती है रेटिंग, ये बैटरी की दी जाती है। बैटरी की जो रेटिंग दी जाती है वो किलोवाट, वो एम्पियर आवर में दी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा तीसरा। भारतीय रेलों में एसी ट्रिक्शन में प्रयोग किया जाने वाला वोल्टेज है। तो एसी ट्रिक्शन में जो होता है रेलों में, उसमें जो वोल्टेज होती है उसकी होती है 25,000 वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी, 25,000 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। 1 मिली वाट शक्ति किसके बराबर है? 1 मिली वाट शक्ति बराबर होता है 1/100 वाट। यह आंसर हो जाएगा इसका 1/100 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। नीचे दिए गए परिपथ की चालकता कितनी है? तो चालकता निकालनी है, यानी कि कंडक्टेंस निकालनी है। कंडक्टेंस जो होती है रेजिस्टेंस का विलोम होती है, यानी कि हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे उसका उल्टा कर देंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखिए, ये तीनों जो हैं पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना होता है? 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से तीन हो जाएंगे पैरेलल में। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो जो मान आएगा उसका उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे तो वो आ जाएगा 0.175 mho। चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है मोह। कंडक्टेंस का मात्रक होता है मोह। ओम का उल्टा होता है, ओम होता है OHM, ओम। इसका उल्टा होता है मोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर हैज़ हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? निम्न में से किस कुचालक पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होता है? तो परावैद्युत सामर्थ्य जो उच्च होता है इन अचालक पदार्थों में, कुचालक पदार्थों में, वो होता है माइका का। माइका का हाई होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां। चालकता के प्रतिरोधकता की इकाई है। तो प्रतिरोधकता जो होती है वो रो होती है। रो बराबर होती है आर ए अपॉन एल।
आर ए अपॉन एल, यहाँ से अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे तो आर का मात्रक होता है ओम, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मात्रक होता है मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक आ जाएगा ओम मीटर, यह आंसर हो जाएगा इसका ओम मीटर। मोह जो होता है कंडक्टेंस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 7/20 केबल का अर्थ है। 7/20 केबल का अर्थ होता है 20 स्वैग में के तार के सात तार, 20 स्वैग के सात तार, यानी कि जो ऊपर लिखा होता है तारों की संख्या होती है, और नीचे जो होता है ये स्वैग होता है, WSG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली इंगित करती है। तो तर्जनी उंगली जो होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ में, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, और जो बड़ी वाली उंगली होती है मध्यमा उंगली, वो करती है उसकी धारा की दिशा को। मध्यमा उंगली जो करती है वो धारा की दिशा को, और तर्जनी उंगली जो करती है वो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, और जो अंगूठा दिशा दर्शाता है वो चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, किसी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण इतना है। तो विद्युत वाहक बल की आवृत्ति है। तो देखिएगा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होता है, ई बराबर होता है ई मैक्सिमम इंटू में साइन ओमेगा टी। तो यहाँ देखिएगा ओमेगा जो होती है आवृत्ति होती है, कोणीय आवृत्ति, यहाँ देखिए 628 दे रखा है, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 628। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है एफ, आवृत्ति पूछी जा रही है, कोणीय आवृत्ति नहीं पूछी जा रही है। तो एफ बराबर होता है 2π, ओमेगा बराबर होता है 2πf, ओमेगा बराबर होता है 2πf, बराबर हो जाएगा 628। तो एफ बराबर हो जाएगा 628 बटे में 2π, एफ बराबर हो जाएगा 628 बटे में 2π। इसे जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 50 हर्ट्स। पाई का मान रख लेंगे यहाँ 3.14, इसकी गुणा करेंगे 3.14 की 2 में, तो ये आ जाएगा 6.28। 6.28 से जब ऊपर भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 100 हर्ट्स। आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्ट्स में होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी 100 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, देखिएगा दो तारों का प्रतिरोध जब इन्हें श्रेणी में जोड़ा जाता है तो 25 ओम होता है, यानी कि आर सीरीज क्या हो जाएगा, दे रखा है उनने 25, यानी कि R1+R2 का मान कितना है 25, और इसी तरह जब समांतर में जोड़ा जाता है तो वो 6 ओम होता है, यानी कि 1/R, यानी कि उन्हें पैरेलल में जोड़ा जाता है तो वो कितना दे रखा है 6 ओम। तो इस तरह से हम देखिएगा कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है, इन चार ऑप्शन से लगाएंगे इसका आंसर को, वैसे सोल्व भी हो जाता है। तो हम देखेंगे किन का योग 25 हो रहा है, वैसे 17-8 का योग भी 25 हो रहा है, 12-13 का योग भी 25 हो रहा है, 20-5 का योग भी 25 हो रहा है, 15-10 का योग भी 25 हो रहा है। तो शेडी में तो चारों एक से हो रहे हैं, लेकिन पैरेलल में देखते हैं कि 6 आ जा रहा है। तो पैरेलल में देखिएगा 1/15 + 1/10, इसे जब सोल्व करेंगे हम तो ये 6 आता है, सिर्फ इससे ही पैरेलल क्रम में जब जुड़ेंगे इन्हें तो ये 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, यदि किसी परिपथ में 30 ओम तथा 20 ओम के दो प्रतिरोध जुड़े हों, तो पूरे यदि पूरे परिपथ में 50 वोल्ट सप्लाई हो तो 30 ओम प्रतिरोध पर कितनी वोल्ट तक की गिरावट होगी। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे हम। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है, 30 वाले में पूछा है तो आर 30 वाले में पूछा है तो क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है V2 में वोल्टेज निकालनी है हमें, तो V2 दूसरे वाले में निकालनी है, यानी कि 30 ओम में निकालनी है। तो पहले टोटल वोल्टेज और सेम रेजिस्टेंस जिसमें निकालनी होती है बटे में इन दोनों का सम ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, यानी कि इस तरह से वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है। तो देखिएगा टोटल वोल्टेज कितनी है 50, गुड़ा R2 कितना है हमारा यहाँ 30 में निकालना है हमें, 30 ओम में निकालना है बटे में 50। तो 50 से क्योंकि नीचे दोनों का सम आ जाएगा 20 और 30 50, तो 50 से 50 कट जाएगा, बचेगा 30। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 वोल्ट। अगर 20 वाले में पूछता तो वो 20 आ जाती, दूसरे 20 वाले में पूछता तो वो 20 आ जाती, उसने 30 ओम में पूछी थी तो 30 वोल्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाइप अर्थिंग द स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ द पाइप अर्थिंग इज, पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास होता है। तो पाइप अर्थिंग में जो व्यास होता है उसका वो होता है 38 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 14, पी टाइप बाह्य अर्धचालक का उत्पादन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो पी टाइप बनाना होता है तो त्रिसंयोजी पदार्थों को शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल से मिलाकर, और
पंचे से वो एन टाइप बना होता है, एन टाइप बनाना होता है, तो एन टाइप के लिए करते हैं पंचे से योजी पदार्थ में जर्मेनियम क्रिस्टल मिलाकर। फिर इसमें पूछा जा रहा है पी टाइप, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टर का कार्य है, फंक्शन ऑफ इन्वर्टर इज कन्वर्ट, इन्वर्टर क्या कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में करता है, डीसी टू एसी। जो हमारे घरों में इन्वर्टर लगा होता है, हमारे घरों में एसी वोल्टेज आती है, तो इन्वर्टर क्या करता है, पहले एसी को डीसी में बदल लेता है, एसी को डीसी में बदल लेता है, जब लाइट भाग जाती है तो डीसी को फिर से एसी में बदल देता है। तो इसमें कन्वर्टर जो होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक एसी को डीसी में बदलने वाला है, एक डीसी को एसी। तो कन्वर्टर का, इन्वर्टर का पूछा जा रहा है, होता है कन्वर्टर है वैसे, तो डीसी को एसी में बदलता है इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या करता है डीसी को एसी में बदलता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डीसी जनरेटर जो कार्य करता है वो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर डीसी जनरेटर कार्य करता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा सत्रवा, डीसी मोटर का ई बी अपॉन वी अनुपात किसको संकेत करता है, तो ये इफिशियंसी को संकेत करता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, इफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, संट फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के मापन के लिए उपयुक्त मीटर है, तो संट फील्ड वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस मापते हैं वो ओम मीटर के द्वारा नापते हैं, और मेघर जो होता है, ये मेघर, देखिए इसका आंसर तो बी हो जाएगा, ओम मीटर से नापते हैं संट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, लेकिन जो मेघर होता है, मेघर जो करता है ये इंसुलेशन को नापता है, और मेगा ओम में नापता है, मेगा ओम में, मेगा ओम में इंसुलेशन करता है, ये हाई रेसिस्टेंस का मेजर करता है मेघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, किसी स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है, जो हमारे घरों में बाहर एनर्जी मीटर लगे होते हैं कुछ इस टाइप के, जिसमें रीडिंग वगैरह दिखाते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड टाइप के होते हैं, इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिसमें टाइम के साथ पावर का मल्टीप्लाई करके रीडिंग दिखाता है, तो ये इंटीग्रेटिंग टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, किसी अल्टरनेटर द्वारा किस प्रकार की धारा बनाई जाती है, तो अल्टरनेटर से एसी धारा बनाई जाती है, कैसी धारा बनाई जाती है, एसी, अल्टरनेटर द्वारा कैसी करंट मेजर की जाती है, एसी धारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पोल की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 है, तो पोल पिच का मान क्या होगा, देखिएगा पोल पिच जो होता है वो होता है खानों की संख्या बटे पोल की संख्या, तो खानों की संख्या है 24 और पोल की संख्या दे रखी है 4, तो 4 × 24, तो पोल पिच कितना आ जाएगा 6 खाने, इसका आंसर आ जाएगा 6 खाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो सीलिंग फैन जो रेगुलेटर लगाते हैं पंखों में, हम वो लगाते हैं वोल्टता को कम करने के लिए, जिससे कि वोल्टेज कम हो जाती है तो पंखा कम तेज़ी से घूमता है, अगर हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं उसकी तो पंखा तेज़ घूमता है, अगर रेगुलेटर को हम बढ़ाते हैं तो पंखा तेज़ घूमने लगता है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ जाती है, और वोल्टेज घटाने बढ़ाने का काम करता है रेगुलेटर एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, विद्युत पंखे में कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य है, तो कैपेसिटर जो लगाते हैं हम वो सेल टाइप का जो होता है, सेल टाइप का जो होता है कैपेसिटर में पंखे में, वो होता है फेज अंतर को बढ़ाने के लिए, फेज अंतर को बढ़ाता है कैपेसिटर पंखे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम किससे नियंत्रित होता है, तो ये होता है थर्मोस्टेट से, सी आंसर हो जाएगा इसका, थर्मोस्टेट, तापक्रम ओवन जो होता है, घर में देखा होगा घरों में भी और दुकानों पर भी रख रहते हैं, जिसमें पेटीज वगैरह गर्म करते हैं लोग, इस टाइप से होता है कुछ, वो यहाँ शीशा वगैरह लगा होता है इस टाइप से, तो वो थर्मोस्टेट से उसका तापक्रम नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भूमिगत लाइनों का प्रयोग सामान्यतः कितनी वोल्टता तक किया जाता है, तो भूमिगत यानी कि भूमि में जो लाइनें दबाई जाती हैं वो 66 kV तक का यूज़ किया जा सकता है सामान्यतः, जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किया जाते हैं, क्यों नहीं किया जाते हैं, पृथ्वी की वक्रता के कारण, पृथ्वी वक्रता त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या जो होती है वक्रता, उसके कारण जो है वो टीवी सिग्नल को नहीं पकड़ पाता रिमोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो ये होती है 20 Hz से 20,000 Hz तक, एक होती है श्रव्य, एक होती है अपश्रव्य, एक तीन टाइप की तरंग होती हैं, श्रव्य, अपश्रव्य और परश्रव्य, तो श्रव्य में तो उतनी होती है, परश्रव्य में 20 Hz से कम होती है, और जो अपश्रव्य होती है 20 Hz से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है, देखिएगा,
इसका कारण है उच्च घुलन गति पर कार्य करना। ए आंसर हो जाएगा इसका 28वें का, उच्च घुलन गति पर कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, सेडेड पोल मोटर की क्षमता इफिशेंसी के परास में होती है, तो ये होती है 5 से 30%। सेडेड पोल मोटर जो होती है उसकी इफिशेंसी 5 से 30% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द सिंगल फेज मोटर यूज जनरली फॉर सीलिंग फैंस, सीलिंग पंखों के लिए आमतौर पर सिंगल फेज मोटर किस किस्म की होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा, स्थाई परमानेंट कैपेसिटर टाइप, यानी स्थाई कैपेसिटर टाइप की होती हैं ये, इसका आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और साइड में बेल का आइकन दबा ले, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको